हेलो बच्चों, आपकी कक्षा आपके घर में स्वागत है। मैं मायंका शर्मा आज आपको बताने वाली हूँ कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हम कैसे निकालते हैं दी हुई डिजिट्स से। तो जैसे कि आपको निकालनी है कि वन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो हम देखिए पहले इसको समझते हैं। बच्चों रटने की ज़रूरत नहीं है, रटा हुआ आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। समझिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। काउंटिंग हमारी शुरू होती है 1, 2, 3। ये हमने लिखा, तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से कि वन डिजिट का नंबर हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक है, और ये हमारा जो हो गया वो कितने डिजिट का नंबर हो गया, 2 डिजिट का। ठीक है, तो वन डिजिट में देखिए सबसे छोटा नंबर तो हो गया हमारा 1 और सबसे बड़ा नंबर हो गया हमारा 9। तो वन डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर जो हो गए वो हो गया 1 और वन डिजिट का हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया वो हो गया 9। ओके, अब हम आते हैं 2 डिजिट पे। तो 2 डिजिट हमारा कहाँ से शुरू होता है, 10 से। और जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो हम 100 तक अगर हम काउंटिंग लिखते हैं तो मान लीजिए ये आपके हमने 100 तक लिखा काउंटिंग, तो 100 में तो हो गए हमारे 3 डिजिट, और 100 से पहले कहाँ तक, हम 99 तक हमारे होते हैं 2 डिजिट। तो जहाँ से शुरू हुआ बच्चों वही तो होगा ना सबसे छोटा नंबर। तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो गया हमारा 10 और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो गया हमारा 99। ओके, इसी तरह से देखिए ये 3 डिजिट का नंबर शुरू हुआ तो ये कहाँ से शुरू हुआ, 100 से। और जब हम इसमें करते चले आएंगे, हम 1000 तक की हम अगर लिखेंगे तो उसके पहले हमारा आता है 999। ये जब आप 1000 तक की काउंटिंग लिखेंगे उसमें आप देखिएगा, तो यहाँ पे भी आप देखिए कि सबसे छोटा नंबर हमारे यहाँ से शुरू हुआ ना 3 डिजिट का, तो ये हमारा हो गया 100 और कहाँ तक गया हमारा 999 तक। और यहाँ से हमारा क्या शुरू हो गया, 4 डिजिट का नंबर। तो बस यही है आसान सी ट्रिक। तो अब हम यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम देखिए करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9, 2 डिजिट का 10, स्मॉलेस्ट नंबर 10 और ग्रेटेस्ट नंबर 99, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100 और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 999, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 4 times 9। ओके, अब 5 डिजिट का हमारा, तो देखिए 1 रखने के बाद में 2, 3, 4 5 डिजिट का नंबर हमने बना लिया। 1 के बाद में हम सारे 0 लगा के हम उतने डिजिट का नंबर बना लेंगे। ओके, और यहाँ पे हम उतनी बार ही 9 रख देंगे, जैसे हमें 5 डिजिट का बनाना है तो हम 5 times 9 रख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, अब हमें 6 डिजिट का अगर बनाना है तो हम पहले 1 रखेंगे, उसके बाद में 2, 3, 4, 5 6 डिजिट का नंबर हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 6 times 9 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, ऐसे 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट आपको जितना भी कोई दे आप कर सकते हैं। अभी जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया कि राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट आप लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और बोला गया उसमें से 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करिए या प्लस करिए। तो आपको जैसे कि 6 डिजिट का आपको ग्रेटेस्ट नंबर आपने लिखा और इसमें हमें 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करना है, तो हम 5 डिजिट का लिख देते हैं 1, 2, 3, 4 और ये हमारा 5, और अब हम इसको माइनस कर देंगे 9, 9, 9, 9, 9 से 1 गया 8 और 9, यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, इस तरह की संख्या हो सकता है ना पूछी जाए, लेकिन वो इस तरह से पूछते हैं 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए, उसमें 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ऐड करिए माइनस करिए।
तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। सिंपल सी ट्रिक ये है कि ग्रेटेस्ट वाले में हमें 9 लिखना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1 से हमारा 9 तो बड़ा होता है, 1 छोटा होता है, 9 बड़ा होता है। तो जहाँ भी ग्रेटेस्ट आए वहाँ पे 9 वाली डिजिट लिखनी है, और जहाँ पे हमारी स्मॉलेस्ट आए वहाँ हमें 0 लगा के उतने ही डिजिट की हमें नंबर बनानी है। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।